प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू विदेश में उस वक्त सबके सिर चढ़कर बोला जब म्यांमार दौरे पर पहुंचे मोदी थोन्ना स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने पहुंचे। पीएम के पहुंचने से पहले ही पूरे हॉल में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। यांगून के थोन्ना स्टेडियम में भारी संख्या में प्रवासी भारतीय इकट्ठा हुए। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि म्यांमार निवासियों में भी मोदी के लिए क्रेज देखने को मिला। मोदी मोदी के नारों के बीच पीएम ने यांगून को अपने सपनों का शहर बताकर शुरुआत में ही सबका दिल जीत लिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल शहर में आऊं, इच्छा थी कि देखूं इस यांगून को जो अपनी विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका भारत के साथ सदियों पुराना नाता भी है। और यहां एट दिस हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल गेटवे टू द ईस्ट आप लोगों से मिलूं, आप सबसे जिन्होंने भारत और म्यांमार दोनों देशों को अपने दिलों में समेटा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में म्यांमार की भूमिका, आजाद हिंद फौज के इतिहास और विपश्यना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा यह वही धरती है जहां बहादुर शाह जफर को दो गज जमीन मिली। इस मौके पर पीएम ने अपनी सरकार की भी जमकर पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ कई कदम उठा रही है। भारत सरकार आतंकवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता मुक्त न्यू इंडिया बनाना चाहती है। हमने संकल्प किया है कि हम गरीबी मुक्त, आतंकवाद मुक्त, कम्युनलिज्म फ्री, जातिवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त क्लीन इंडिया बनाएंगे और बना करके ही रहेंगे। यांगून की धरती से पीएम ने उन आरोपों की भी हवा निकाल दी जिसके तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दरकिनार करने का आरोप लगाया जाता रहा है। पीएम ने सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की और कहा कि सुषमा जैसा काम अब तक किसी विदेश मंत्री ने नहीं किया है। और मैं नहीं समझता कि किसी अन्य देश के विदेश मंत्री विदेश में बसे या फंसे अपने देश के लोगों के दुख दर्द को लेकर इतने एक्टिव है जितनी की भारत के हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है। पीएम ने जहां प्रवासी भारतीयों के सामने अपने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा, वहीं वे ये भरोसा भी जगाते दिखे कि बतौर पड़ोसी और एक इस पॉलिसी के मद्देनजर म्यांमार के साथ रिश्ते मजबूत करना भारत की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।